दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में जिसमें हम एक मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपके पार्ट फर्स्ट से संबंधित रहने वाला है तो चलो आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी विलियम हर्सेल ने विलियम हार्वे ने मार्कोनी ने और रिटर ने तो अवरक्त किरणों की खोज ये किसने की थी तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना विलियम हर्सेल ने और विलियम हार्वे ने इन्होंने खोज की थी सूक्ष्म तरंगों की सूक्ष्म तरंगों की खोज ठीक है और मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की खोज रेडियो तरंगों की खोज और रिटर्न ने खोज की थी पराबैंगनी किरणों की खोज पर बेंगनी किरणों की खोज ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर दो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आयाम पर वेग पर आवृत्ति पर और बल पर तो ध्वनि का तारत्व ये किस पर निर्भर करता है तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवृत्ति पर ठीक है और ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता यह किस पर निर्भर करती है तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता निर्भर करती है आपके आयाम पर ठीक है और तारत्व या तीक्ष्णता यह दोनों निर्भर किस पर करती है आवृत्ति पर ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर तीन ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हीलियम नाइट्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन ठीक है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपके नाइट्रोजन जो कि पाई जाती है लगभग अठ्योत्तर प्रतिशत और ऑक्सीजन की मात्रा होती है इक्कीस प्रतिशत वायुमंडल में ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर चार ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस से बनता है थायराइड ग्रंथि से एड्रिनल ग्रंथि से प्यूस ग्रंथि से और थाइमस ग्रंथि से तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस हार्मोन को और ध्यान रखना है दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं दुग्ध निष्कासन हार्मोन ठीक है इस नाम से भी इसे जाना जाता है दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहा जाता है तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ठीक है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रमुख कार्य है प्रसव के दौरान गर्भाशय की भित्ति को फैलाकर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके गर्भ प्रसव को आसान बनाना ठीक है आगे देखते हैं देखो तो इसमें कौन सा हो जाएगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है आपके ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि से ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर पांच मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत वृक्क तो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है तो मानव रक, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है आपके ऑप्शन नंबर है यकृत ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर छ मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला या मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए बी सी और डी तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन ए ठीक है और विटामिन ए इसका साइंटिफिकल नेम क्या है तो इसका साइंटिफिकल नेम है रेटिनॉल और कौन सी बीमारी होती है इसे तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी रोग ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर सात क्लोरोफिल में पाया जाता है एम एन ए एल एम जी और एफी तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर जी हो देगा एम जी या मैग्नीशियम ठीक है तो ये एम जी धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है और ध्यान रखना जो एफी है यह एफी पाई जाती है आपके रक्त में और रक्त में किस भाग में तो रक्त के हीमोग्लोबिन में पाई जाती है ठीक है और हीमोग्लोबिन का एक अणु एफ ही के चार अणुओं से जुड़ा रहता है इसी प्रकार हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के चार अणुओं का परिवहन करता है ठीक है और ध्यान क्लोरोफिल जो है वह पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है आगे देखते है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर आठ शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करने का कार्य कोशिका हैं और गोलजी का है तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करने का कार्य करता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोलजी का है ठीक है जिसकी खोज की थी केमिलियो गोलजी ने और इसके अलावा इसके कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण करना कोशिका भित्ति का निर्माण करना शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना ठीक है और ध्यान रखना इसके कार्य के बारे में देखें, तो इसका कार्य का है? लाइसोसोम का निर्माण करना ठीक है और ध्यान रखना लाइसोसोम को कहते हम आत्मघाती थैली ये भी आपको ध्यान में रखना है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर नौ हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं ऐसे नोड एवी नोड हिज बंडल पुरकिंजे तंतु तो हृदय का मेकर ये किसे कहा जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए ऐसे नोट को ठीक है और हृदय का पेस और ऐसे ऐसे नोट को हृदय का हृदय भी कहा जाता है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर दस आंवले में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की विटामिन सी की विटामिन डी की विटामिन बी की तो आंवले में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है तो आंवला होता है खट्टा और खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन सी ठीक है विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती हैं आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर ग्यारह राज्य में सूर्य की सबसे तीर्थी किरणें किस जिले में पड़ती हैं बांसवाड़ा अनूपगढ़ गंगानगर और सिरोही तो राज्य में सूर्य की सबसे तीर्थी किरणें किस की ज़िले में पड़ती है तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर से गंगानगर और बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे लंबवत किरणें पड़ती हैं या सबसे कम तीर्थी किरणें ठीक है लंबवत किरणें ये कहाँ पर पड़ती है तो ये पड़ती है आपके बांसवाड़ा में आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर बारह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं इकसठ प्रतिशत तिरालीस प्रतिशत चालीस प्रतिशत और पैंतीस प्रतिशत तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर से चालीस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल है इसका इकसठ प्रतिशत ठीक है और चालीस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे कम जनगणित वाला मरुस्थलीय प्रदेश है सबसे कम जन घनत्व वाला प्रदेश ठीक है सबसे कम जन किसका है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर तेरह राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है बीस किलोमीटर तेईस किलोमीटर छब्बीस किलोमीटर उनतीस किलोमीटर तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छब्बीस किलोमीटर और करकरेका राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है तो दो जिले एक तो है आपके डूंगरपुर और दूसरा है आपके बांसवाड़ा इन दो जिलों से करकरेका गुजरती है ठीक है आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर चौदह उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं उदयपुर करौली अनूपगढ़ अलवर तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये किस जिले में है तो ये है उदयनाथ की पहाड़ियाँ आपके ऑप्शन नंबर डी अलवर जिले में ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर पंद्रह सर्वाधिक अवनली अपरदन पाया जाता है लूणी बेसिन से बनास बेसिन चंबल बेसिन और माही बेसिन तो सर्वाधिक अवनलिका अपरदन ये किसमें पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन में ठीक है और ध्यान रखना चंबल बेसिन जो है वहां पर सर्वाधिक बीहड़ भूमि भी है बीहड़ भूमि ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर सोलह सिरोही की स्थापना कब हुई थी 1420 में 1423 में 1425 में और 1427 में तो सिरोही की स्थापना ये कब हुई थी तो सिरोही की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1425 में और किसने की थी तो सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने ठीक है और 1425 में इसकी स्थापना की थी आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया माधव सिंह ने अखेराज ने बर सिंह ने और उमेद सिंह ने तो बुंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो बुंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था आपके ऑप्शन नंबर सी बर सिंह ने ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर अट्ठारह बीजा और माला का संबंध किससे है मीणा जनजाति से सहरिया जनजाति से कंजर जाति से और साँसी जाति से तो बीजा और माला इन दोनों का संबंध किससे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साँसी जनजाति से या साँसी जाति से ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर उन्नीस जी एच का जन्म कहाँ हुआ था रोहिड़ा गांव में हरणा गांव में हाथल गांव में देवपुरा गांव में तो जी एच हो जाए। इनका जन्म कहां पर हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहिड़ा गांव में जो किस जिले में है तो रोहिड़ा गांव है आपके सिरोही में ठीक है हरना गांव यह है आपके बुंदी में और यहां पर किसका जन्म हुआ था? तो हरना गांव बुंदी में होता सूर्यमल मिश्रण का जन्म ठीक है किसका जन्म था सूर्यमल मिश्रण का जन्म हाथल गांव यह भी सिरोही में है और आतल गांव सिरोही में किसका जन्म हुआ था तो गोकुल भाई भट्ट का गोकुल भाई भट्ट का जिन्हें हम राजस्थान के गांधी भी कहा जाए कहते हैं और देवपुरा गांव में किसका जन्म हुआ था तो केसरी सिंह बाराड का जन्म देवपुरा गांव में हुआ था ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर बीस बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है दस बारह चौदह सोलह तो बातारी फुलवारी इसके लेखक कौन थे तो विजय दान देथा विजयदान देता और यह कितने खंडों में विभक्त हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौदह खंडों में विभक्त हैं ठीक है आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर इक्कीस बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था रतन दौलत दरीखाना में कदमी महल में अनूप महल में शिणगार चौकी में तो बूंदी के शासकों का राज तिलक ये कहाँ पर होता था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन दौलत दरीखाना में और कदमी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था आमेर के शासकों का राज तिलक ठीक है और अनुप महल में बिकानेर के शासकों का राज तिलक होता था ठीक है और शिणार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर बाईस कांतली नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियाँ चनापाव की पहाड़ियाँ खंडेला की पहाड़ियाँ नाग पहाड़ियाँ तो कातली नदी इसका उद्गम स्थल कौन सा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ ठीक है खमनौर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में है वह उद्गम स्थल है बनास नदी का बनास नदी का और जनापाव की पहाड़ियाँ जो है वह चंबल नदी का उद्गम स्थल है ठीक है चंबल नदी का खंडेला की पहाड़ियाँ जो हैं ठीक है वह आपके कांतली नदी का उद्गम स्थल है और नाग पहाड़ जो हैं वह आपके लूणी नदी का उद्गम स्थल है लूणी नदी का ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर तेईस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी अट्ठारह में अठारह में अठारह में और उन्नीस ईस्वी में तो बिजोलिया किसान आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी अठारह में और कब समाप्त हुआ था 1941 में ठीक है और राजस्थान का सबसे लंबा सबसे लंबा तथा सबसे सुनियोजित रूप से चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन ठीक है और बिजोलिया किसान आंदोलन के दो महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखते एक तो है इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन में चवरी कर लगाया था कौन सा कर चवरी कर ठीक है और ध्यान रखना है दूसरा है 1906 में कौन सा कर लगाया गया था तो तलवार बंधाई कर तलवार बंधाई कर ये दोनों कर के बारे में ध्यान रखना है कि 1903 में चवरी कर लगाया गया था और किसने लगाया था राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया का शासक था उस समय और 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया और किसने लगाया तो राव पृथ्वी सिंह ने उस समय बिजोलिया का शासक था और जो तलवार बंधाई कर जो है वह एक उत्तराधिकारी शुल्क था और चवरी कर लड़की के विवाह पर लिया जाता था आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर चौबीस इक्कीस सूत्रीय मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था गोविंद गिरी जोरावर सिंह बार्ट अमरचंद बाटिया मोतीलाल तेजावत तो इक्कीस सूत्री मांग पत्र जिसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार मेवाड़ की पुकार यह किसने प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने और मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कल्याणी गांव उदयपुर में ठीक है और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था एक ही आंदोलन ठीक है और गोविंद गिरी ने कौन सा पत्र प्रस्तुत किया था तो गोविंद गिरी के बारे में जाना था सूत्री मांग पत्र जिसे हम गुरु जी का पत्र भी कहते हैं और दूसरा जानना है गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बेड़सा गांव सिर में ठीक है और तीसरी बात ध्यान रखना है कि गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था तो भगत आंदोलन चलाया था भगत आंदोलन ठीक है और यहाँ पर एक विशेष चीज रखना है चोरावर सिंह बारहठ इसको कहते हैं हम राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद और इसका परिवर्तित नाम कौन सा था तो अमरदास बेहराजी और अमरचंद बाटिया है इसे कहते हैं हम राजस्थान का मंगल पांडे यार अठारह सो क्रांति का भामाशाह अठारह की क्रांति का भामासा भी कहते हैं इसे और राजस्थान का मंगल पांडे भी इसको कहते हैं मंगल पांडे ठीक है आगे देखते है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर पच्चीस राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत थी झालावाड़ मेवाड़ किशनगढ़ शाहपुरा तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत कौन सी थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झालावाड़ रियासत जिसके संस्थापक थे झाला मदन सिंह झाला मदन सिंह ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर छब्बीस राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं तारागढ़ दुर्ग पर मेहरानगढ़ दुर्ग पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर और बटनेर दुर्ग पर तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण ये कुछ दुर्ग पर हुए हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बटनेर दुर्ग पर और राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण ये किस दुर्ग पर हुए हैं तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं आपके तारागढ़ दुर्ग पर ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर सत्ताईस कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है जस्नाथ जी को चांबो जी को हरिदास जी को और दादू दयाल को तो कलयुग का वाल्मीकि ये किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिदास जी को और हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था तो निरंजनी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय ठीक है और दादू दयाल को कहते हैं राजस्थान का कबीर राजस्थान का कबीर और इन्होंने दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी और जसनाथ जी के बारे में ध्यान रखना है जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया तथा तो जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय चलाया था संप्रदाय आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित हैं पीवाड़ी में टपोकड़ा में शाहपुरा में अनूपगढ़ में तो राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टपोकड़ा चौकीस जिले में खेरथल तिजारा जिले में खेरथल तिजारा जिला ठीक है और अनूपगढ़ जिले के बारे में ध्यान रखना है कि अनूपगढ़ जिले में एक तो है आपके लेला मजनू की मजार दूसरा है जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म है और तीसरा है आपके गुरुद्वारा बुड्डा जोहड़ ये तीनों प्रमुख स्थान है आपके अनूपगढ़ जिले में ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर उनतीस शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे हरिनारायण मांगीलाल रमेश चंद्र ओझा पोगीलाल पांड्या तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रमेश चंद्र ओझा ठीक है और हरिनारायण जो है वह आपके अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे मांगीलाल जो है वह आपके झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे पोगीलाल पांड्या जो है वह आपके डूंगरपुर मंडल के संस्थापक थे ठीक है आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में प्रश्न नंबर तीस मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे बप्पा रावल ने अल्हड ने चेत्र सिंह ने और तेज सिंह ने तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बप्पा रावल ने ठीक है बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज या मालभोज और बप्पा रावल ने सात सौ चौंतीस ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ में गुहिल वंश की वास्तविक स्थापना की थी और बप्पा रावल के गुरु का नाम था हरित ऋषि हरित ऋषि ठीक है और अगर आगे देखें तो अल्लठ के बारे में अल्लठ ने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है तथा तो अल्लह ने मेवाड़ में या राजस्थान में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा चलाई थी नौकरशाही प्रथा और के बारे में ध्यान रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहलाता है आपके जेत्र सिंह और जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी ठीक है चित्तौड़ को राजधानी फर्स्ट बार ठीक है और ध्यान रखना है चेत्र सिंह ने बारह सौ ईस्वी में पूताला का युद्ध किया था इर्द से जिसमें जयत्र सिंह की विजय हुई थी ठीक है और तेज सिंह के जब ध्यान रखना है श्रावक प्रतिक्रमा सूत्रचूर्णि का उत्खनन हुआ था और उसके लेखक थे कमल चंद्र ठीक है तो आज के दोस्तों यही वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि तीस में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तथा साथ में ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू जय हिंद जय भारत